आज हम इस इंडोर स्टेडियम में गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम एग्जीबिशन देखने आए हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि छोटे उद्योग जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन उद्योगों को कितनी महिमा है और कितना उसको मुश्किल से उसको गढ़ा जाता है, ये बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे। हम लोग गांधी जी का जन्मदिवस के लिए कुछ एक्टिविटी रखे, क्योंकि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था, विचारधारा था, जैसा कि स्वावलंबी था, तो ग्राम स्वराज था, कैसे अपने अपने खुद गांव लोग डिपेंडेंट है, किसी का पर डिपेंड नहीं हो गए, जो शहर के बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे काम हैं, और ये सब काम हम लोग छोटा छोटा लेके आए हैं, जो लोग बच्चे भी लोग कुछ सीख पाएँ, क्लासरूम में जोड़ पाएँ, जैसा कि मिट्टी का काम, बांस का टोकरी का काम, साइकिल का काम, तो बच्चे लोग आके कुछ अच्छा आनंद से कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं, नहीं वो आसान नहीं है, बट उसमें बहुत स्किल चाहिए, जो गांधी जी बोलते हैं कुछ हैंडसम स्किल चाहिए, जो हस्तशिल्प का जो है वो कभी ऐसे किताब में नहीं होता है, कोई कुछ करके सीखते हैं। और यहाँ ना वो भैया लोग ना मटकी बनाना, और वो टोकनी और कुम्हार भी है ना, वो मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाए, और ना बहुत सारी हमें चीज़ें सीखी। यहाँ पर मैंने गांधी जी के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक पढ़ा और चित्रांकन देखा, एवं बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिला जो उनके लिए उपयोगी है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि साइकिल का पंचर बनाना है या फिर बांस के टोकरी से जैसे कि सामान बनाना है। तमाम स्कूलों में, तमाम जगहों पर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं बच्चों के साथ, जिसमें कि वे विभिन्न किस्म के कौशलों के साथ जुड़कर देख पाएँ और उस सत्य को पहचान पाएँ जो उनको जीना है।